Hello, everyone. हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का जेएनसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन। टेक्निकल इश्यूज के बाद अगेन फाइट बैक। आज का कंटेंट आज ही डिलीवर करने की पूरी कोशिश, और हमेशा की तरह जीतता वही है जो पिच पे लास्ट तक डटा रहता। बच्चों, आवाज क्लियर आ रही मेरी आपको? आर यू लिसनिंग? यस और नो? इट्स ऑल क्लियर? ओके फाइन। अब नेक्स्ट नया एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज अ सेक्शनिंग, और सेक्शनिंग पे बनने वाले एमसीक्यू। तो फटाफट बच्चों इस इंपॉर्टेंट क्लास को मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तक शेयर करें, ताकि नेक्स्ट 1 आवर का सेशन जो रहेगा वो बहुत खूबसूरत होने वाला है, जहां पर प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन, रिसेंट प्रेजेंट सिनारियोज में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, वो इमेज बेस्ड क्वेश्चन जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो कोशिश पूरी होगी। बस इस इंपॉर्टेंट क्लास को एक बार शेयर करें और लाइक जरूर करें। जो भी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर रिसेंट इस क्लास से जुड़े, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, आपकी दुआएं, आपका प्यार, आपका स्नेह छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज में हारने नहीं देगा। बच्चों, यदि आपकी स्नेह और प्यार की ताकत ऐसे ही बना रहे तो आपके सर हमेशा हेल्थी रहेंगे, पॉजिटिव रहेगा, स्टे हेल्थी रहेगा, क्योंकि लास्ट 2 दिन में आपके द्वारा प्यार और स्नेह जो दिया गया है उसके लिए जयंसी परिवार आपके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। बच्चों, तो ये हमेशा के लिए बनाए रखेगा। मैं अपनी जी जान से, शिद्दत से, ईमानदारी से आपके लिए लगातार मेहनत करता रहूंगा। ओके फाइन। तो आज का अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों स्टार्ट करेंगे सेक्शनिंग। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपके लिए कुछ खास, उन लोगों की उम्मीद कभी टूटने मत देना जिनकी आखिरी ख्वाहिश और आखिरी उम्मीद सिर्फ आपसे। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, उन लोगों की उम्मीद कभी टूटने मत देना जिनकी आखिरी ख्वाहिश सिर्फ आपसे, वो आपका परिवार, आपके मां बाप और आपका जेएनसी परिवार, ये हमेशा आपसे उम्मीद करता है। और आखिरी उम्मीद आपके परिवार और जेएनसी की आपसे ही है, और उस उम्मीद को पूरा करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। बच्चों, तो आप जी जान से, शिद्दत से पढ़ते रहिएगा, और जरूर जेएनसी और आपके परिवार की उम्मीद एक दिन सक्सेस और कामयाबी की तरफ जाएगा। तो इसी शानदार थॉट के साथ आज की इंपॉर्टेंट क्लास को कैरी ऑन करें। क्लास को स्टार्ट करने से पहले गुड न्यूज आप लोगों के लिए। बच्चों, मैंने क्लियर मेंशन किया है जेएनसी जोधपुर के द्वारा 10th जो एमसीक्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, लाइव एमसीक्यू बैच, और ये बैच आपका 24 जून से स्टार्ट हो रहा है। इसका टाइम 3 to 7 PM है, और क्लास होने के बाद ये क्लास नॉर्सेट तक वहीं आपके ऐप पे अवेलेबल रहेगा। बच्चों, वहीं आपके ऐप पे अवेलेबल रहेगा, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो एमसीक्यू बैच ज्वाइन करने का बेहतरीन मौका, आज ऑफर का लास्ट डे है, आज 22 मई आज ऑफर का लास्ट डे है। जो भी बच्चा एमसीक्यू बैच को ज्वाइन करना चाहता है उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है 3999 में बैच ज्वाइन करने का, और कल से 4999 हो जाएगा। बच्चों, कल से 4999 हो जाएगा, बैच 24 जून से स्टार्ट होगा, और जो एमसीक्यू बैच होगा इसमें थ्योरी भी पढ़ेंगे, और जो जेआईएनसी डिजिटल प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं, जिन्होंने याद रखना बच्चों, जिन्होंने कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग कोर्स परचेज कर रखा हो उसको बेनिफिट मिलेगा, जिन्होंने जेएनसी ऑफलाइन क्लास कंप्लीट कर रखी हो और फीस पूरी जमा है उसको फायदा मिलेगा। मैंने क्लियर मेंशन किया है जेएनसी ऑनलाइन स्टूडेंट के लिए फीस 2999 होगा, और जेएनसी ऑफलाइन स्टूडेंट के लिए फीस 2499 होगा। बस करना क्या है, आपको प्रीवियस डिटेल को 9636032691 पे भेजना है, उसके अलावा रिमेनिंग पेमेंट को फोन पे और पेटीएम करके आप अपनी सीट को कंफर्म कर सकते हो। तो यहां पर बच्चों ऑफर का लास्ट डे, साथ में उन बच्चों को भी बेनिफिट जिन्होंने प्रीवियसली जेएनसी डिजिटल प्लेटफॉर्म या जेएनसी जोधपुर से
कोचिंग कंप्लीट कर रखा हो तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो इसी कोर्स को परचेज करने का सिंपल तरीका है, प्ले स्टोर पे जाना है, JNC जोधपुर का ऐप डाउनलोड करना है, वहां पर अपनी मेल ID से लॉग इन करके बाई कोर्सेस में जाना है और मिलेगा बच्चों MCQ लाइव MCQ बैच, उस पर क्लिक करना है, पेमेंट करें, आज ही आप JNC परिवार का हिस्सा बन सकते हो। बस स्पेशली जिन्होंने 2 या 3 या 4 नंबर से रह रहे हो, कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, नॉर्थ से 2021 की जंग जीतना चाहता है तो बच्चों JNC परिवार से जुड़िएगा। ओके फाइन, इस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ में आज की इंपॉर्टेंट क्लास का पहला MCQ, आज की इंपॉर्टेंट क्लास का पहला MCQ, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, हियर यू कैन सी हाउ लॉन्ग शुड ए सक्शन प्रोसीजर लास्ट। क्वेश्चन को पढ़ना, हाउ लॉन्ग शुड ए सक्शन प्रोसीजर लास्ट, अप्रोक्सीमेटली 40 सेकेंड, अप्रोक्सीमेटली 30 सेकेंड, अप्रोक्सीमेटली 10 सेकेंड, अप्रोक्सीमेटली 5 सेकेंड। 4 डिफरेंट ABCD में आपको टाइम पुट किया हो बच्चों, फटाफट मुझे बताएं सक्शन जो है वो लास्ट लॉन्गर कितने टाइम तक करना चाहिए, सक्शन जो है लास्ट लॉन्गर कितने टाइम से करना चाहिए बच्चों, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर फटाफट आंसर पुट करेगा। देखिए सुमन टाइम दिया हुआ, उसको देखें, पढ़ें, समझे, आंसर पुट करें। 4 ऑप्शन है, 40 सेकेंड, 30 सेकेंड, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, क्विक आंसर पुट करेगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। कम से कम एक MCQ के साथ बच्चों हमें 10 MCQ सीखना है, ये आपके JNC ई नर्सिंग यूट्यूब चैनल की खासियत है, हर एक स्लाइड पे हर एक क्वेश्चन पे 10 क्वेश्चन हमें लर्न करना है। तो फटाफट आंसर पुट करेगा, देन विल मूव फर्दर। ऑलमोस्ट बच्चे बोले सर सी को लॉक कर दिया जाए, या डेफिनेटली माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, जो भी बच्चे JNC डिजिटल प्लेटफॉर्म को JNC नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग जोधपुर के पेज पे वॉच कर रहे हैं, प्रदीप वर्मा, पुष्पेंद्र शर्मा, लालचंद चौधरी, एंजल, प्रियंका, खुशबू, कप्ताल गोयल, विहान चौधरी, फटाफट आंसर पुट करेगा बच्चों। सी जिन्होंने लिखा है वो एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताना चाहता हूं, जब भी हम सक्शन की बात करें तो सक्शन के लिए अपने पास 4 साइड्स है, सक्शन के लिए हमारे चार साइड से देखना, एक है नोज के द्वारा जिसको हम बोलते हैं नेजो फेरिंजियल सक्शन, ध्यान से देखना बच्चों, नेजो फेरिंजियल सक्शन। दूसरा है माउथ के द्वारा जिसको ऑरोफेरिंजियल बोलते हैं बच्चों, ऑरोफेरिंजियल सक्शन। तीसरा है ट्रेकेस्टोमी के द्वारा जिसको ट्रेकियोस्टॉमी सक्शन बोलते हैं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। और चौथा है एंडोट्रेकियल ट्यूब के द्वारा, उसको एंडोट्रेकियल सक्शनिंग बोलते हैं। याद रखना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, मैं यदि सक्शन साइट की बात करूं तो नॉर्मली हम चार साइट को प्रीफर करते हैं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। यदि नोज के द्वारा सक्शन करेंगे और नेजोफेरिंजियल कहलाएगा, माउथ के द्वारा सक्शन करेंगे ऑरोफेरिंजियल कहलाएगा, ट्रेकिस्टॉमी के द्वारा सक्शन करेंगे और ट्रेकिस्टॉमी सक्शन कहलाएगा, और एंडोट्रेकियल ट्यूब के द्वारा सक्शन करेंगे उसको एंडोट्रेकियल सक्शनिंग कहलाएगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। हियर यू कैन सी, अब एक क्वेश्चन आता, ध्यान से सुनना, यदि डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन में लिखा है कि पेशेंट को सक्शन करना है, और डॉक्टर ने माउथ भी लिखा है और डॉक्टर ने नोज भी लिखा है, तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे बच्चों? हम माउथ को। दिस इज योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम MCQ। एक एक वर्ड के अंदर क्वेश्चन होगा बच्चों, एक एक लाइन के अंदर क्वेश्चन होगा। यू शुड ट्राई टू लर्न माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। देखिएगा, यदि डॉक्टर ने कहा पेशेंट को माउथ और नोज से सक्शन करना है तो फर्स्ट प्रीफरेबल साइट कौन सा होगा? तो आपको आंसर क्या लिखना बच्चों? माउथ। दिस इज योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम MCQ। गेट इट एवरीबॉडी? ओके फाइन। दूसरी बात देखिएगा, नेजोफेरिंग्स के द्वारा और माउथ के द्वारा, दैट मींस नेजोफेरिंजियल और माउथ से जो सक्शन करते हैं ऑरोफेरिंजियल, दैट ओनली वी कैन कंडक्ट फॉर द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। यदि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कुछ हैपनिंग हुआ है तो हम क्लियर करने के लिए इन दोनों साइड को प्रीफर करते हैं। याद रखना, That will be for upper respiratory tract. Upper respiratory tract, my loving future nursing officer.
और ट्रेकेस्टॉमी और एंडोट्रेकियल फॉर द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. फॉर द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट when the patient is unable to expel out cough, when the patient is unable to maintain airway into the lower respiratory tract, my loving future nursing officer, hum kaun si site ko prefer karenge? Hum tracheostomy suctioning ko aur endotracheal ko prefer karenge. But here you can see upper respiratory tract mein something will be happen. To kaun si site aapke paas hai? Nose hai aur mouth, nasopharyngeal और ऑरोफेरिंजियल को प्रिफर करेंगे बच्चों. क्लियर एवरीबॉडी? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की साइड क्लियर, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की साइड क्लियर. ओके फाइन, ओके फाइन. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, यदि हम बात करें ड्यूरेशन, यदि हम बात करें सक्शन के ड्यूरेशन का, तो यदि हम सक्शन करें नोज के द्वारा, यदि हम सक्शन करें नोज के द्वारा, यदि हम सक्शन करें माउथ के द्वारा, यदि हम सक्शन करें दैट वी कैन से ट्रैकियोस्टॉमी के द्वारा, ट्रैकियोस्टॉमी के द्वारा, ये तीनों साइट आपके पास है. इन तीनों साइट से यदि आप सक्शन कर रहे हो तो माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, नॉट मोर देन 10 सेकेंड, याद रखिएगा 10 सेकेंड से ज्यादा हम कंटिन्यू यहां पर सक्शनिंग नहीं कर सकते. 10 सेकेंड से ज्यादा हम यहां पर कंटिन्यू सक्शनिंग नहीं कर सकते हैं. यदि आप नेजोफेरिंजियल, ऑरोफेरिंजियल और ट्रेकेस्टॉमी सक्शन कर रहे हो तो ड्यूरेशन होगा लेस देन 10 सेकेंड, ड्यूरेशन होगा लेस देन 10 सेकेंड. और वही हम एंडोट्रेकियल, याद रखिएगा बच्चों, एंडोट्रेकियल सक्शनिंग कर रहे हैं तो ड्यूरेशन होगा 15 सेकेंड. माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, दिस इज योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम एमसीक्यू. कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है, जब भी हम एंडोट्रेकियल सक्शनिंग करेंगे या ईटी ट्यूब के द्वारा सक्शन करेंगे तो ड्यूरेशन 15 सेकेंड लिखना है बदमाश बच्चों, 15 सेकेंड लिखना. और इन तीनों साइड से सक्शन करेंगे तो ड्यूरेशन 10 सेकेंड लिखना, नॉट मोर देन 10 सेकेंड. गेट इट एवरीबॉडी? एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, जहां पर हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, जहां पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्पज से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे. हियर यू कैन सी, इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, आई विल ट्राई टू डिस्कस माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स. यदि आपसे पूछे हैं मैक्सिमम, ध्यान से देखना बच्चों, मैक्सिमम ड्यूरेशन, ऑफ सक्शनिंग, तो आपको आंसर लिखना बच्चों 5 मिनट्स. और 5 मिनट्स कैसे, 5 मिनट्स कैसे? आपने 10 सेकेंड, 10 सेकेंड पेशेंट को सक्शन किया, देन 20 to 30 सेकेंड का आपने क्या दिया बच्चों, इंटरवल. क्या दिया? इंटरवल दिया. फिर क्या किया? 10 सेकेंड आपने सक्शन किया, फिर बच्चों 20 to 30 सेकेंड क्या दिया? इंटरवल दिया. क्या दिया बच्चों? इंटरवल दिया. फिर हमने 10 सेकेंड सक्शन किया. इस तरीके से आप लगातार 5 मिनट तक, सक्शन कर सकते हो. याद रखना बच्चों, 2 सक्शन के बीच का ड्यूरेशन आपसे पूछे हैं तो आपको आंसर लिखना होगा 20 to 30 सेकेंड. ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है कि 2 सक्शन के बीच का, 2 सक्शन के बीच का इंटरवल क्या होगा. तो बच्चों आप आंसर क्या लिखोगे? 20 to 30 सेकेंड. मैक्सिमम कितने टाइम तक हम कर सकते हैं तो आपको आंसर क्या लिखना बच्चों? 5 मिनट्स. क्या लिखना? 5 मिनट्स. ओके फाइन. वन मोर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. हियर यू कैन सी क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि बिफोर, ध्यान से देखना बच्चों, बिफोर एंड आफ्टर सक्शनिंग आपको पेशेंट को क्या करना है? हाइपर ऑक्सीजनेटेड का मतलब आपको 100% क्या देना बच्चों? O2 देना है. आपको 100% क्या देना होगा? O2 देना होगा. माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, जब भी पेशेंट को सक्शन करने जाएंगे उससे पहले और सक्शन के बाद में 100% O2 देना है टू प्रिवेंट हाइपोक्सिया. इट्स अगेन इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम पर्पज. ओके फाइन. नेक्स्ट स्लाइड्स की ओर मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा. व्हेन ड्यूरिंग द सक्शन प्रोसीजर शुड सक्शन बी अप्लाइड? ध्यान से देखना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. व्हेन ड्यूरिंग द सक्शन प्रोसीजर शुड सक्शन बी अप्लाइड? ओनली व्हेन द विथड्रॉइंग द सक्शन कैथेटर, ओनली व्हेन द इंसर्टिंग द सक्शन कैथेटर, आइदर ड्यूरिंग इंसर्शन और विथड्रॉवल, ओनली इफ द पेशेंट कफ,
मतलब सक्शन कब करना चाहिए, सक्शन कब करना चाहिए बच्चों, इस क्वेश्चन को पढ़ के आंसर देने की कोशिश करिएगा, इस क्वेश्चन को पढ़ के आंसर देने की कोशिश करिएगा, सक्शन कब करना चाहिए माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। चार ऑप्शन आपके सामने, चार ऑप्शन आपके सामने, फटाफट आंसर पुट करेगा, जब आप विड्रॉ करें उस समय, जब आप इंसर्ट करें हो कैथेटर उस समय, या दोनों टाइम, या पेशेंट जब कफ करेगा, या पेशेंट जब कफ करेगा, तीनों में से, चारों में से राइट आंसर क्या होगा बच्चों? फटाफट एक बार क्लास को लाइक जरूर करें, क्योंकि टेररिस्ट की एंट्री हो चुकी है, और टेररिस्ट को जवाब देने के लिए JINC आर्मी, आर्मी मैन की तरह रिप्लाई करना है। लाइक इट एवरीबडी, लाइक इट एवरीबडी, लगभग 1800 प्लस फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को वॉच करें, लाइक तो बनता बच्चों। और जो भी बच्चे JINC नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग फेसबुक पेज पे क्लास को वॉच करें, मुकेश, हेतल, प्रदीप, लालचंद, कपिल, बच्चों शेयर जरूर करना इस इंपॉर्टेंट क्लास को, शेयर जरूर करना। क्या बात है, क्या बात है, ऑलमोस्ट बच्चों ने यहां मिक्स आंसर दिया है। मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, व्हाट हैपन जब हम वार्ड में काम करते हैं और हम सक्शन करते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक ही बार मशीन को ऑन करते हैं और बस इंसर्ट करते हैं, कैथेटर को निकालते हैं, इंसर्ट करते हैं, निकालते हैं। दिस इज द टोटली रॉन्ग प्रैक्टिस, दैट इज अ टोटली रॉन्ग प्रैक्टिस। आज आपको पता चल जाना चाहिए कि एग्जैक्ट तरीका क्या होता है सक्शन करने का, जब पेशेंट के, जब बड़ा आंसर देख लीजिए बच्चों, ए राइट आंसर है, ए राइट आंसर है, क्या लिखा है, ओनली व्हेन विथड्रॉइंग द सक्शन कैथेटर। याद रखना है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, जब हम कैथेटर को इंसर्ट करते हैं, जब हम कैथेटर को इंसर्ट करते हैं, सक्शन मशीन ऑफ होना चाहिए, और इंसर्ट करते जब कैथेटर को विथड्रॉ करें तो सक्शन मशीन ऑन होना चाहिए। दिस इज द राइट वे, दिस इज द राइट वे माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। व्हेन वी विथड्रॉ द कैथेटर फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट विल स्टार्ट द सक्शन, विल स्टार्ट द सक्शन। इसीलिए मशीन को ऑपरेट करने का तरीका भी पता होना चाहिए, ऑन कब करना है, ऑफ कब करना है, एग्जैक्टली जब कैथेटर को विथड्रॉ कर रहे हो तो मशीन रन करेगा और सबस्टेंस को सकआउट करेगी, सबस्टेंस को सकआउट करेगी। दिस इज द राइट वे। अदरवाइज जब आप कैथेटर को इंसर्ट करते समय मशीन को ऑन करोगे तो मे बी वो टंग को सक करने की कोशिश करेगा, मे बी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है, तो फर्दर कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकता है, फर्दर कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकता है। तो याद रखिएगा बच्चों, जब हम कैथेटर को विड्रॉ करेंगे तब सिर्फ सक्शन करना होगा, तब सिर्फ सक्शन करना होगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। व्हाट इज द रिकमेंडेड प्रेशर, व्हाट इज द रिकमेंडेड प्रेशर सेटिंग फॉर द सक्शन यूनिट। अब देखिएगा, अब जब भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी पर्टिकुलर एज को मेंशन नहीं किया होता है, तो आपको मान के चलना है कि आपसे जो डाटा पूछा जा रहा है वो डाटा किसका पूछा जा रहा है, अडल्ट का। ये बात का ध्यान रखना बच्चों, इस बात का ध्यान रखना, जब भी आपसे किसी भी क्वेश्चन कोई डाटा पूछा जाता है और वह एज मेंशन नहीं है, वह एज मेंशन नहीं है, तो माय लविंग फाइटर्स आपको आंसर क्या लिखना, अडल्ट का समझ के, किसका समझ के आंसर लिखना अडल्ट को। काजल राजपूत, काजल राजपूत डोनेटिंग 39 रुपीज, थैंक यू माय लविंग काजल फॉर डोनेटिंग पुअर स्टूडेंट फंड, थैंक यू काजल। हियर यू कैन सी, अब ऑप्शन आपके सामने है, 130 mm ऑफ HG, 140, 120 और वी कैन से 150, वी कैन से 150। फटाफट आंसर पुट करेगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, पुट द राइट आंसर, पुट द राइट आंसर। चार ऑप्शन आपके सामने, चार ऑप्शन आपके सामने है। मैं आपको यहां हिंट देता हूं, मैं आपको वॉल आउटलेट और पोर्टेबल, और पोर्टेबल सक्शन मशीन, सक्शन मशीन दोनों का प्रेशर बताऊंगा, दोनों का प्रेशर बताऊंगा, वॉल आउटलेट। फटाफट आपको आंसर पुट करना बच्चों, पुट द राइट आंसर एवरीबडी, पुट द राइट आंसर। मैं आपको क्लियरली यहां पर मेंशन करता हूं, तब तक इन्फेंट, चाइल्ड और वी कैन से अडल्ट, अडल्ट, पुट द राइट आंसर। What is the recommended pressure setting? Recommended pressure पूछा है। Almost we crossed 1900 future nursing officer. ज्यादातर बच्चों ने यहाँ पर 20 लिखा, 120 लिखा है। Absolutely correct होगा, absolutely correct होगा। बिल्कुल सही। जिन्होंने 120 लिखा है, जिन्होंने C लिखा है, ओम प्रकाश बिल्कुल सही। विहान बच्चा बहुत बिट बढ़िया। Keep it up विहान। प्रदीप वर्मा, प्रतीका दुबे, उदय सिंह, शाबाश शाबाश, बिल्कुल सही आंसर बच्चों, 120। मैं क्लियर करना चाहता हूं, दो तरीके की सक्शन मशीन होती बच्चों।
एक वो सक्शन मशीन जिसको वॉल आउटलेट बोलते हैं, आपने देखा ऑक्सीजन के साथ साथ दीवार के अंदर फिटेड होती, दैट इज अ वॉल आउटलेट। एक वो सक्शन मशीन होती है जो हम बेड टू बेड लेके जाते हैं, जो बेड टू बेड सक्शन मशीन को लेके जाते हैं उसे पोर्टेबल सक्शन मशीन कहते हैं। क्या कहते हैं? पोर्टेबल सक्शन। पोर्टेबल का मतलब होता है मूवेबल, पोर्टेबल का मतलब होता है मूवेबल। तो जहां पर हम दो अलग अलग डिवाइसेस को यूज करेंगे तो दोनों का प्रेशर अलग होगा, दोनों का प्रेशर अलग होगा। यदि मैं बच्चों बात करूं वॉल आउटलेट, याद ध्यान से देखना, वॉल आउटलेट की बात करूं तो इन्फेंट का जो सक्शनिंग होगा दैट प्रेशर वो 50 to 95 होगा। ध्यान से देखना, मैं इन्फेंट की बात कर रहा हूं, 50 to 95 mm ऑफ एचजी फॉर द इन्फेंट। यदि यहां पर पूछे चिल्ड्रन, यहां पर चिल्ड्रन पूछे हैं तो बच्चों 95 से 110 और अडल्ट का 100 to 120। ये प्रेशर पॉइंट मैंने पुट किया बच्चों, ये वॉल आउटलेट का पुट किया, ध्यान रखना वॉल आउटलेट का पुट किया। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लियर लिखा, इन्फेंट का 50 से 95, चिल्ड्रन का 95 से 110 और अडल्ट का 100 से 120। यहां पर आपके सामने आंसर जो है 120। जहां पर भी एज मेंशन नहीं किया हुआ है तो माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, हमेशा अडल्ट का मान के चलना। दूसरी तरफ चलिएगा, पोर्टेबल सक्शन मशीन में यदि हम इन्फेंट की बात करें बच्चों तो सिर्फ 2 to 5 mm ऑफ एचजी होगा, वहीं हम चिल्ड्रन की बात करें तो बच्चों 5 to 10 mm ऑफ एचजी होगा, और वहीं हम अडल्ट की बात करें बच्चों तो 10 to 15 mm ऑफ एचजी होगा। ये वेरिएशन जरूर देखना, वेरिएशन जरूर देखना। मैंने पोर्टेबल का प्रेशर अलग से लिखा है, वॉल आउटलेट का अलग लिखा है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटेटिव एग्जाम पर्पस से। ज्यादातर जो पूछते हैं वॉल आउटलेट वाला क्वेश्चन आता है, ज्यादातर वॉल आउटलेट वाला आता है, बट कभी कभी मेंशन कर देते हैं पोर्टेबल सक्शन मशीन 5 से 10, 2 से 5, 5 से 10, 10 से 15। इजी टू रिमेंबर, इजी टू रिमेंबर, गेट इट एवरीबॉडी? ओके फाइन। ये तो बात हो गई प्रेशर की बच्चों। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर द इंसर्टिंग ए नेजोफेरिंजियल एयरवे। नेजोफेरिंजियल एयरवे का मतलब कहां इंसर्ट कर रहे हैं बच्चों? नोज में। कहां इंसर्ट कर रहे हैं? नोज में। नोज से कहां इंसर्ट करेंगे? नोज से फारिंग्स में। फारिंग्स को क्या बोलते हैं? थ्रॉट। फारिंग्स को क्या बोलते हैं? थ्रॉट। तो नोज से फारिंग्स में जब इंसर्ट करते हैं तो दैट रूट वी कैन से नेजोफेरिंजियल, दैट वी कैन से नेजोफेरिंजियल। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर द इंसर्टिंग ए नेजोफेरिंजियल एयरवे। याद रखना है बदमाश बच्चों, यहां एयरवे लिखा है, यहां सक्शन कैथेटर नहीं लिखा है, यहां सक्शन कैथेटर नहीं लिखा है, यहां एयरवे लिखा है, यहां एयरवे लिखा है। इसको समझने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। मैं आपको आगे एयरवे बताऊंगा, नेजोफेरिंजियल एयरवे बताऊंगा, ओरोफेरिंजियल एयरवे भी बताऊंगा। ऑप्शन लिखा है, द पेशेंट इज एबल टू टॉलरेट ऑन ओरोफेरिंजियल एयरवे। बी में लिखा है, द पेशेंट हैज फ्रैक्चर बेस ऑफ स्कल, पेशेंट हैज फ्रैक्चर बेस ऑफ स्कल। सी में लिखा है, द पेशेंट हैज हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सीमिया का मतलब होता है लैक ऑफ O2 इन ब्लड। ब्लड में जब ऑक्सीजन की कमी होती है उसको हाइपोक्सीमिया बोलते हैं। द पेशेंट हैज ए चेस्ट इन्फेक्शन, द पेशेंट हैज ए चेस्ट इन्फेक्शन। क्विक आंसर पुट करेगा बदमाश बच्चों, क्विक आंसर पुट करेगा। वी क्रॉस 2000 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, फटाफट आंसर पुट करेगा। विच इज द राइट आंसर? A, B, C, D चार ऑप्शन है। मैंने कहा था नेजोफेरिंजियल जो एयरवे है उसके लिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, उसके लिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। क्विक आंसर पुट करना बच्चों। आई विल शो यू नेजोफेरिंजियल एयरवे, आई विल शो यू ओरोफेरिंजियल एयरवे, डोंट वरी। फटाफट आंसर पुट करिएगा बच्चों, फटाफट आंसर पुट करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्पस से। कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात की है, नेजोफेरिंजियल एयरवे जब लगाओगे तो डेफिनेटली सक्शन करोगे तो नोज के द्वारा फेरिंग्स, फेरिंग्स से होता हुआ लैरिंग्स में जाओगे। किस कंडीशन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगा, किस कंडीशन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगा? या फंटास्टिक, यदि आंसर नहीं पता भाग्यश्री, डोंट वरी, वेट करें बच्चा। जिसको आंसर पता आंसर पुट करें। बी जिन्होंने लिखा है एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि यदि पेशेंट को स्कल का बेस फ्रैक्चर है तो इट मे बी रिस्क टू इंसर्ट कैथेटर इनटू द ब्रेन। तो कहां पर जा सकता है बच्चों?
ब्रेन में जा सकता है, फर्दर कॉम्प्लिकेशन कॉज कर सकता है, फर्दर कॉम्प्लिकेशन कॉज कर सकता है। यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, यहां पर मैंने एयरवे पुट किया, ध्यान से देखना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम पर्पज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ध्यान से देखिएगा, यहां मैंने जो एक एयरवे पुट किया है, ये जो एयरवे पुट किया है, ये कौन सा एयरवे, नाम लिखिएगा फटाफट, नाम लिखिएगा, ये कौन सा एयरवे, ये कौन सा एयरवे, बदमाश बच्चों, नाम लिखो, नाम लिखो, व्हाट इज द नेम, व्हाट इज द नेम माय लविंग फाइटर्स, इसका नाम पुट करिएगा, फिर मैं आपको मेजरमेंट भी बताऊंगा, मेजरमेंट भी बताऊंगा। और ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, नॉर्सेट 2021 का, मान के चलिएगा इस तरीके के क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों, तो आप आंसर लिखिएगा फटाफट, आंसर लिखिएगा फटाफट। थैंक यू सो मच मिस्टर तोमर, थैंक यू माय डियर, लव यू टू, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ताली बहुत बढ़िया बेटा, ताली बहुत शाबाश। ऑलमोस्ट बच्चों ने यहां पर ओरोफेरिंजियल लिखा है, देखिए इसको हम गुड्डल एयरवे बोलते हैं बच्चों, ओरोफेरिंजियल का दूसरा नाम है गुड्डल एयरवे, एग्जाम का क्वेश्चन है। एग्जैक्टली क्या होता है ओरोफेरिंजियल, मैं नेजोफेरिंजियल भी आपको बताऊंगा आगे, डिफरेंट कलर कोड अवेलेबल होता है। जब भी हम पेशेंट को एयरवे पुट करते हैं, एयरवे पुट करने से पहले हमें मेजरमेंट करना होता बच्चों, और मैं गुड्डल एयरवे ओरोफेरिंजियल की बात करूं, मैंने यहां ओरोफेरिंजियल पुट किया हुआ है, हियर यू कैन सी, मेजर फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ द इंसाइजर टू द एंगल ऑफ मेडिबल, इस पिक्चर को देखना बच्चों, ये आपका इंसाइजर, इंसाइजर जो है उसका मिड पॉइंट से स्टार्ट किया और एंगल ऑफ मेंडिबल, ये जो मेंडिबल का एंगल है जहां पर टेम्पोरो मेंडिबुलर जॉइंट बनता, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ऊपर वाला जो टीथ है सेंटर का उसको क्या बोलते हैं इंसाइजर, सेंटर का टीथ को क्या बोलते हैं इंसाइजर, इंसाइजर से मेजर करना है, और कहां तक मेजर करोगे, ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है वो एंगल कैसे बन रहा है, क्योंकि यहां तो टेम्पोरो मेंडिबुलर जॉइंट है, टेम्पोरो मेंडिबुलर के नीचे जॉइंट, नीचे जाओगे तो ये मूवेबल बोन का नाम क्या, मेंडिबल, मूवेबल बोन का नाम क्या, मेंडिबल, और मेंडिबल का जो एंगल बन रहा है, जो एंगल बन रहा है वहां तक हम इसे मेजरमेंट करेंगे, और जितनी लेंथ दिख रही है उतना ये एयरवे इंसर्ट किया जाएगा, उतना ये एयरवे इंसर्ट किया जाएगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो ध्यान से देखना, कहां से कहां लिखा, मिड पॉइंट ऑफ इंसाइजर टू द एंगल ऑफ मेंडिबल, टू द एंगल ऑफ मेंडिबल, ये मेजर करने का तरीका है बदमाश बच्चों, ये मेजर करने का तरीका है। और याद रखना, मेंटेन और ओपन पेशेंट्स एयरवे, सिंपल तरीका पेशेंट का एयरवे मेंटेन करने के लिए हम इस गुड्डल एयरवे का यूज करें बच्चों। फिर से कह रहा हूं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर कमिंग एग्जाम, फॉर कमिंग एग्जाम माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, हियर यू कैन सी, ओके फाइन। ये तो बात होगी गुड्डल एयरवे की, ये तो बात होगी गुड्डल एयरवे, और लगाने के बाद ऐसा दिखेगा, लगाने के बाद इस तरीके से दिखेगा, ये आपका दैट वीकेस ओरोफेरिंजियल, माउथ से जाएगा फारिंग्स में, फारिंग्स से कनेक्ट हो जाएगा लैरिंग्स के साथ, और आपका एयरवे मेंटेन करेगा। दिस इज द राइट वे, दिस इज द राइट वे आफ्टर पुटिंग गुड्डल एयरवे, गुड्डल एयरवे लगाने के बाद इस तरीके से विजिबल होगा बच्चों, ओके फाइन। नेक्स्ट देखिएगा, मैंने आपको कहा था एक और एयरवे, इस इमेज को ध्यान से देखने की कोशिश करना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, हियर यू कैन सी, हियर यू कैन सी, इस इमेज को ध्यान से देखना बच्चों, ऊपर वाला जो है दैट वी कैन सी गुड्डल एयरवे बोल सकते हो इसको, आप गुड्डल एयरवे बोल सकते हो या ओरोफेरिंजियल बोल सकते हो, ओरोफेरिंजियल बोल सकते हो। सेकेंड वाला जो ट्यूब्स दिख रहा है, सेकेंड वाला जो ट्यूब्स दिख रहा है दैट वी कैन से नेजोफेरिंजियल, नेजोफेरिंजियल। इसमें क्या होता है बच्चों, इसका एंड जो है, इसका एंड जो है इसको हम बोल सकते हैं टिप, इसको जो टिप जो है दैट वी कैन से सॉफ्ट होता है, ये टिप जो बच्चों सॉफ्ट होता है, और सॉफ्ट क्यों होता है, इसका पर्पज है, पर्पज है टू प्रिवेंट, टू प्रिवेंट टिश्यू इंजरी, टिश्यू इंजरी। जब आप इस टिप को नोज के द्वारा फेरिंग्स में एंटर करते हो तो टिप वाला पोर्शन सॉफ्ट होता है, तो एंटर करते समय हम जब नोज से फेरिंग्स में जाएंगे ना तो इंजरी नहीं होने देगा, इंजरी से प्रिवेंट करने का काम करेगा, दैट वी कैन से नेजोफेरिंजियल, नेजोफेरिंजियल एयरवे, ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल इंडिकेशन फॉर परफॉर्मिंग सक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल, पॉसिबल ये वर्ड याद रखना बच्चों, पॉसिबल इंडिकेशन फॉर परफॉर्मिंग सक्शनिंग,
कौन सा पॉसिबल इंडिकेशन है सक्शनिंग परफॉर्म करने का, सक्शनिंग परफॉर्म करने का बच्चों, हियर यू कैन सी, हियर यू कैन सी नॉर्मल एयर एंट्री ऑन ऑस्कल्टेशन, द पेशेंट हैज एन इफेक्टिव कफ, रिड्यूस O2 सेचुरेशन लेवल, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट। चारों में से कौन सा इंडिकेशन इंडिकेट कर रहा है, सुशील थैंक यू माय डियर, कौन सा इंडिकेशन इंडिकेट कर रहा है पेशेंट नीड टू बी सक्शनिंग, इस पेशेंट को सक्शन की जरूरत है, पेशेंट को सक्शन की जरूरत है। फटाफट आंसर पुट करिएगा, चारों ऑप्शन में से एक को फाइंड आउट करना है, विच इज द इंडिकेशन, विच इज द इंडिकेशन, ए बी सी डी, ए बी सी डी, शाबाश। यहां मिक्स आंसर आ रहे बच्चों, क्वेश्चन समझ में जिसको आ गया उसका आंसर क्लियर होगा, जिसको क्वेश्चन समझ में नहीं आया उसका आंसर अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, अभी भी क्लियर नहीं हुआ। बहुत सारे बच्चों ने ए क्यू पुट करा है बच्चों, नॉर्मल एयर एंट्री है ऑस्कल्टेशन, नो नीड फॉर सक्शनिंग, नो नीड फॉर सक्शनिंग, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट है, नो नीड फॉर सक्शनिंग, इफेक्टिव कफ है, नो नीड फॉर सक्शनिंग, मतलब O2 सेचुरेशन का लेवल कम हुआ तो एयरवे मेंटेन करना पड़ेगा, एयरवे मेंटेन करना पड़ेगा। अब बिल्कुल सही आंसर, सी सही आंसर बच्चों, सी सही आंसर है, क्योंकि जब O2 सेचुरेशन, देखिए O2 सेचुरेशन, O2 सेचुरेशन का मतलब होता है O2 कैरिंग कैपेसिटी, O2 कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, ब्लड की ऑक्सीजन कैरी करने की जो कैपेसिटी है उसको हम O2 सेचुरेशन बोलते हैं, और अडल्ट में 96-100% होता है, कुछ बुक्स में 95 से ज्यादा दिया हुआ, अडल्ट की बात कर रहा हूं, उधर जो O2 कैरिंग कैपेसिटी जो है जिसको O2 सेचुरेशन बोलते हैं, और सेचुरेशन फॉल डाउन होगा डेफिनेटली पेशेंट को सक्शन की जरूरत पड़ेगी, बाकी तीनों पैरामीटर नॉर्मल है बच्चों, तीनों पैरामीटर जो है वो नॉर्मल है। ओके फाइन, विल मूव फर्दर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करने से पहले बच्चों एक बार क्लास को लाइक कर दें, 2000 प्लस बच्चे क्लास को वॉच करें, लाइक करें, देन विल मूव फर्दर। कार्बोहाइड्रेट बराबर देते रहिएगा, टेररिस्ट को रिप्लाई देते रहिएगा, आतंकवादी आएंगे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, बट JNC आर्मी खड़ी है बच्चों, JNC आर्मी उनको जवाब देगी, और फिर मैं क्लास को कैरी ऑन करता हूं। एक बार फटाफट थंब दिखा दीजिएगा बच्चों, या साबा 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 साबस, दैट आई वॉन्ट, JNC आर्मी, दैट आई वॉन्ट, बिल्कुल रेखा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, यस डू इट एवरीबडी, डू इट एवरीबडी, कीप इट अप, कीप इट अप, कीप इट अप, साबस 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 साबस, देन विल मूव फर्दर। साबस कुलदीप, खुशबू, विक्रम, लालचंद, प्रदीप वर्मा, बहुत बढ़िया बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। उससे पहले गुड न्यूज जो है कंप्लीट कोर्स वाले बच्चों के लिए, 6499 में कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, 1 ईयर की इसकी वैलिडिटी है, 1000+ वीडियो है, यूनिट वाई टेस्ट है, कंप्लीट नर्सिंग के साथ साथ रीजनिंग है, मैथ्स है, OT है, ICU है, रिसर्च है, एडमिन है, एजुकेशन है, फार्मा है, माइक्रो, कंप्लीट नर्सिंग सिलेबस होगा बच्चों, जिसको आप परचेज करके आज से ही अपने सपनों में 4 चांद लगा सकते हो, जहां पर प्राइस 6499 पुट किया हुआ है, 1 ईयर की वैलिडिटी के लिए अवेलेबल बच्चों। और ये कोर्स परचेज करने का सिंपल तरीका, प्ले स्टोर पे जाके JNC जोधपुर का ऐप डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करके लॉगिन करके इस कंप्लीट कोर्स को परचेज करके अपनी दुनिया बदल सकते हो, गवर्नमेंट जॉब के करीब जा सकते हो बच्चों। ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा, एक इमेज पुट किया बच्चों, इस इमेज का नाम आप आइडेंटिफाई करिएगा, मैंने एक इमेज आपके सामने पुट किया, मुझे इसका नाम पुट करिएगा, व्हाट इज द नेम, व्हाट इज द नेम, एग्जैक्ट नेम पुट करना बच्चों, एग्जैक्ट नेम पुट करना, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑप्शन, फटाफट आंसर देखिए, एग्जैक्ट नेम पुट करना, या शाबाश, मशीन को देख के आंसर लिखिएगा, एक मशीन का फोटो आपके सामने दिख रहा है, उसको देख के आंसर पुट करना, व्हाट इज द नेम, व्हाट इज द एग्जैक्टली, क्या नाम इस मशीन का, क्या नाम है बच्चों, फटाफट आंसर पुट करेगा, फटाफट आंसर पुट करेगा। थैंक यू सो मच एवरीबडी टू ट्रस्ट ऑन JNC जोधपुर। अरे बदमाश बच्चों, सक्शन में कौन सी सक्शन मशीन है, मैंने कहा ना पूरा नाम लिखना सीखो, कॉपी पेस्ट मत करो, चौके छक्के मत मारो, वेट करो, समझो और सही आंसर दो, बैड हैबिट को मिनिमाइज करेगा, वेट करो,
इमेज को देखो, मैंने बार बार जिक्र किया है, पोर्टेबल सक्शन मशीन, दूसरा वॉल आउटलेट, ये कौन सा मशीन है? पूरा नाम लिखो, पूरा नाम लिखो, यहां पर पूरा नाम लिखो, राहुल कुमार टाइम पास नहीं करो सक्शन मशीन लिख के, यू शुड पुट कंप्लीट नेम, कंप्लीट नेम, या बिल्कुल कंप्लीट नेम लिखिएगा बच्चों। पोर्टेबल, क्या पोर्टेबल है, क्या है पोर्टेबल, पूरा नाम लिखिएगा, डोंट ट्राई टू शॉर्ट, शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म ना लिखे, शॉर्ट फॉर्म ना लिखे, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट मशीन। ऑलमोस्ट बच्चों ने यहां पर पोर्टेबल सक्शन मशीन लिखा है, या एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट इज अ पोर्टेबल सक्शन मशीन बच्चों, पोर्टेबल सक्शन मशीन, जिसका प्रेशर मैंने आपको बताया था बच्चों, मैंने कहा था इस मशीन का जो प्रेशर होगा वो इन्फेंट में 2 to 5 mm ऑफ एचजी होगा, वो चिल्ड्रन में 5 to 10 होगा, और मैंने कहा था बच्चों अडल्ट में 10 to 15 mm ऑफ एचजी होगा, ये इस मशीन का प्रेशर है, ये इस मशीन का प्रेशर है, और एग्जैक्टली दैट इज अ मशीन वी कैन से पोर्टेबल, पोर्टेबल सक्शन मशीन, और ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन बनता है। आजकल थोड़ा मॉडर्न डिवाइस आ गया, आजकल थोड़ा मॉडर्न डिवाइस आ गया, आप इसमें देखोगे प्रेशर मीटर लगा, यहां पर भी प्रेशर मीटर लगा हुआ है, यहां पर एक सिंगल डिवाइस है, यहां पर डबल डिवाइस लगा हुआ है, और दैट डिवाइस, दैट मशीन वी कैन से पोर्टेबल सक्शन मशीन, पोर्टेबल सक्शन मशीन बच्चों, क्या बात है, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, कीप इट अप। तो आप आजकल ये मशीन बहुत यूज होने लगा है, ये मशीन बहुत ओल्ड हो चुका है, कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना, इस मशीन को आप देखोगे तो भी आपको आंसर यही लिखना है, दैट इज अ पोर्टेबल, दैट इज अ पोर्टेबल सक्शन मशीन, बदमाश बच्चों। ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना बच्चों, यहां लिखा है योर पेशेंट इज ऑर्डर, ध्यान से समझना बच्चों, ध्यान से समझना, योर पेशेंट इज ऑर्डर ए चेस्ट एक्सरे, दिस इज योर चेस्ट एक्सरे, A patient is ordered to chest X-ray to confirm endotracheal tube placement. The tube should be how many centimeter just above the carina? Just above the carina. I was put an option 0.5 to 1.5 centimeter, 2 to 3 centimeter, 1 to 2 centimeter, or 1 say 4 centimeter. 1 say 4 centimeter. यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ तक ये tube दिख रहा होगा. यहां तक ये ट्यूब आपको दिख रहा होगा बच्चों, मैंने एक्सरे भी पुट किया है, मैंने एंडोट्रैकियल ट्यूब भी पुट किया है, एंडोट्रैकियल ट्यूब भी पुट किया है, मैंने क्वेश्चन भी पुट अप किया है, पूछने वाला पूछ कहां से पूछेगा, चारों ऑप्शन में से एक राइट आंसर बताएगा बच्चों, चारों में से एक राइट आंसर बताएगा, कि पेशेंट है, चेस्ट एक्सरे ऑर्डर किया है, पर्पज था पता लगाना है कि कंफर्म है कि नहीं है कि एंडोट्रैकियल ट्यूब का प्लेसमेंट एग्जैक्टली वही है, तो ट्यूब जो है should be how many centimeter above the carina, above the carina, exactly क्या होता है, ये जो trachea होता है, ये जो trachea होता है, ये right bronchi में और left bronchi में divide होता है, और ये जो junction होता है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, carina, इसको हम क्या बोलते हैं, carina, इस carina से कितना ऊपर की ओर इस tube को insert करते हैं, कितना ऊपर की ओर हम इस tube को insert करते हैं, ये आपको answer put करना, ये आपको आंसर पुट करना है, ऑप्शन आपके सामने चार दिए हुए हैं कि एग्जैक्टली ये ट्यूब जो है ये कैरिना से कितना ऊपर तक आता है, कितना ऊपर तक आता है, ज्यादातर बच्चों ने यहां पर सी लिखा है, कुछ ने डी लिखा है, आज आपके डाउट को क्लियर कर देता हूं बदमाश बच्चों, दैट इज एग्जैक्टली 1 to 2 centimeter, 1 to 2 centimeter जस्ट अबो द कैरिना, जस्ट अबो द कैरिना, दैट मीन्स ये जो हिस्सा है बेवल वाला जो हिस्सा है बच्चों, ध्यान से देखना, बेवल वाला जो पोर्शन है, ये हम जब पेशेंट को ट्रेकिया में डालते हैं तो याद रखना ये ट्यूब यहां तक पहुंचेगा, यहां से कैरिना का जंक्शन है, तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है लगभग 1 to 2 centimeter, 1 to 2 centimeter बच्चों, तो राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, ध्यान से देखना, ये ट्यूब आपके सामने पुट किया है, कभी कभी इस मर्फी आई के बारे में पूछते हैं, एंडोट्रेकियल ट्यूब के टिप से जस्ट नियर एक ओपनिंग दिख रहा है, छेद दिख रहा है, उसका नाम है मर्फी आई, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, मर्फी आई है, उसके बाद कफ है, कफ है जिसके अंदर हम प्रेशर को पुट करते हैं ट्यूब को फिक्स करने के लिए, वोकल कोड गाइड है, देन ये जो स्पेसिफिक लाइन दिख रहा है सेंटर से, इसको मैगिल कर्वे बोलते हैं, मैगिल कर्वे, देन पीवीसी ट्यूब्स होता है, और लगभग अडोप्टर जो है वो 14 to 15 mm का होता है, और ये पायलट बलून है जिसके द्वारा हम एयर को इन्फ्लेट करते हैं, एयर को इन्फ्लेट करके कफ को इन्फ्लेट किया जाता है, और दैट इज एग्जैक्टली,
दैट इज एग्जैक्टली एंडोट्रैकियल ट्यूब्स. हो सकता है, हो सकता है आपसे एंडोट्रैकियल ट्यूब का फोटो देखकर आंसर पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द नेम, व्हाट इज द नेम ऑफ ट्यूब. तो बदमाश बच्चों क्या लिखना है, एंडोट्रैकियल ट्यूब. क्या लिखोगे, एंडोट्रैकियल ट्यूब. या डेफिनेटली बच्चों ये पर्पस है, क्यों दिया जाता है, कहां यूज करते हैं. और मैंने कहा था एंडोट्रैकियल के द्वारा जब भी सक्शन करेंगे तो हम लोग 15 सेकेंड तक सक्शन कर सकते हैं, 15 सेकेंड तक सक्शन कर सकते हैं. दैट इज अ ड्यूरेशन, दैट इज अ ड्यूरेशन माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. गेट इट एवरीबडी, ओके फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए नर्स इज अ सक्शनिंग फ्लूड फ्रॉम द मेल क्लाइंट. ए नर्स इज अ सक्शनिंग फ्लूड फ्रॉम द मेल क्लाइंट थ्रू ट्रैकियोस्टोमी. थ्रू ट्रैकियोस्टोमी, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना बच्चों. When suctioning, the nurse must limit the suction time to a maximum. देखिएगा क्वेश्चन को घुमाने की कोशिश किया है. डियर नर्स सक्शन कर रही है फ्लूड को कहां से, मेल क्लाइंट के, किसके द्वारा, ट्रैकियोस्टोमी के द्वारा. और मैंने बदमाश बच्चों को अलग अलग ड्यूरेशन बताया, अलग अलग ड्यूरेशन बताया है. तो नर्स मस्ट लिमिट ऑफ सक्शनिंग 1 मिनट्स, 5 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स. गलत तो होना ही नहीं है, गलत तो होना ही नहीं, गलत तो होना ही नहीं बच्चों. फटाफट आंसर पुट करेगा. मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा टर्न आउट किया है कि नर्स सक्शन कर रही है फ्लूड को, मेल क्लाइंट है, ट्रैकियोस्टोमी के द्वारा सक्शन कर रही है. जब सक्शन कर रही है तो लिमिट क्या होना चाहिए सक्शन का, मैक्सिमम लिमिट पूछा है. ये आगे फिर 15 सेकंड वाले नहीं सुधरने वाले. मैंने कहीं ऑप्शन ही नहीं लिखा है. जिंदगी में सफल होना है तो सुधरना होगा बदमाश बच्चों. मैं चिल्ला चिल्ला के बदमाश बच्चों बोला हूं, जब एंडोट्रैकियल वर्ड आता है, एंडोट्रैकियल सक्शनिंग का वर्ड आता है तो 15 सेकेंड लिखना. बाकी कहीं से भी पूछे तो आंसर 10 सेकेंड लिखना है, आंसर 10 सेकेंड लिखना. अनिदिता बच्चों सुनने की आदत डालो, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट योरसेल्फ, आप नुकसान उठा लोगे बच्चों. ओवर कॉन्फिडेंट होने की कोशिश करना भी मत, करना भी मत. बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, ध्यान रखना बच्चों. ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करना ही मत, पढ़ के आंसर देना सीख जाओ, 30% आपका सिलेक्शन हो जाएगा. पढ़ के आंसर देना सीख जाओ बस. क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन यही पूछा है कि पेशेंट को ट्रैकियोस्टोमी के द्वारा सक्शन. मैंने इसमें कहीं 15 सेकंड नहीं लिखना है, बट कुछ ओवर स्मार्ट बच्चे हैं वो 15 सेकंड लिख रहे हैं और ये तुम्हारी ओवर स्मार्टनेस ले डूबेगी बच्चों. तुम्हें ध्यान रखना, इसमें ऑप्शन पढ़ो नहीं था तो 10 सबसे आसान है. फिर दिमाग लगाओ कि सर ने कहा था कि ट्रैकियोस्टोमी माउथ और नोज के द्वारा 10 सेकंड होता है, एंडोट्रैकियल का 15 सेकंड बताया है, तो हम एंडोट्रैकियल जब नहीं लिखा तो क्यों ओवर स्मार्टनेस दिखा रहे हो आप लोग, सुधरने की कोशिश नहीं करते हो. दिमाग अपना वहां चलाओ जहां तुम्हें जरूरत है, इसको शांत रखो, क्वेश्चन को सुनने की आदत डालो, सामने वाले पर्सन को सुनो क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, क्वेश्चन को ढूंढो, उस लाइन को ढूंढो जहां आपको आंसर मिल जाएगा. कुछ भी मुंह उठा के लिख दोगे 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड. ज्यादा पढ़ लिए तो नॉलेज अपने पास रखो, काम आएगा, जहां जरूरत है वहां पुट करो, जो पूछा जाए उसका आंसर डालने की आदत डालो. हमेशा घटिया हरकत करोगे, 10 बार समझा दिया है आपको, आंसर नहीं पता है तो मुंह बंद रखो, हाथ बंद रखो, और आंसर पता है तो सही लिखो, नहीं आ रहा तो सीख लो, आ रहा है तो सही आंसर दो. कहीं पर भी 15 सेकंड जब नहीं लिख रहा है, 15 सेकंड लगाते जा रहे हो, लगाते जा रहे हो, लगाते जा रहे हो, बिल्कुल भी सुधरना नहीं चाहते हो बदमाश बच्चे. नेक्स्ट बुक की इंफॉर्मेशन, उससे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलूंगा बच्चों आपको. 5 बुक्स एएनसी की अवेलेबल है जहां पर कंप्लीट नोट्स है. इन कंप्लीट नोट्स को आपको परचेज करना होता है तो सिंपल तरीका है, प्ले स्टोर पे जाना है, प्ले स्टोर पे जा सकते हो, जेएनसी की वेबसाइट पे जा सकते हो. वेबसाइट पे जाकर के www.jnc-jodhpur.com पुट करना है. इन 5 बुक्स को परचेज करके आप 9636032691 पर अपना डिटेल भेज सकते हो. वेबसाइट से बुक परचेज नहीं होता है तो डायरेक्ट पेमेंट करके लगभग 1600 रुपीज आप बुक को ऑर्डर कर सकते हो. और नेक्स्ट जो है 5 to 6 डेज में ये कंप्लीट जेआईएनसी टीम के द्वारा प्रिपेयर किए गए नोट्स आपके घर पे पहुंच जाएगा बच्चों, जिसमें बेसिक होगा, एनक्लेक्स होगा, कंप्लीट थ्योरी होगा. 5 बुक्स में नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट, नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट की बेहतरीन थ्योरी दिया हुआ है. एक बार पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आप जान जाओगे रियल में टीम जेएनसी ने कितना शानदार कंटेंट आपके लिए डिलीवर किया है. तो बुक को परचेज करने का बेहतरीन तरीका है, आप चाहे 9636032691 फोन पे पेटीएम करके बुक को परचेज कर सकते हो,
या वेबसाइट पे जाके ऑर्डर कर सकते हो। पांचों बुक्स आने वाले 5 to 6 days में आपके घर पहुंचेगा बच्चों, आपके घर पे रीच आउट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट डे ऑन ट्रैकिस्टोमी, फर्स्ट डे ऑन ट्रैकिस्टोमी नीड सक्शन एवरी, मतलब सीधा है कि पेशेंट को ट्रैकिस्टोमी हुआ है, ट्रैकिस्टोमी होने के फर्स्ट डे शुड नीड फॉर सक्शन एवरी, कितने टाइम से उस पेशेंट को सक्शन करना होगा। देखिएगा 15 मिनट 30 मिनट 1 hour 2 hour, मतलब सीधा है ये जो दिख रहा है ये ट्रैकिस्टोमी है, ये जो दिख रहा है ये ट्रैकियोस्टोमी है, ट्रैकियोस्टोमी। और ट्रैकियोस्टोमी का मतलब है कि ट्रैकियोस्टोमी का मतलब है कि ट्रैकिया में सीधा ओपनिंग क्रिएट करके पेशेंट का टेम्पररी एयरवे मेंटेन करते हैं, और यदि पेशेंट को ट्रैकियोस्टोमी हुआ है तो एयरवे को क्लियर रखने के लिए फर्स्ट डे पूछा है, पहले दिन पूछा है कितने टाइम से पेशेंट को सक्शन करोगे। इस क्वेश्चन को सोच के आंसर देना, समझ के आंसर देना बच्चों, ट्रिकी क्वेश्चन है। चार ऑप्शन, 15 मिनट भी लिखा है, 30 मिनट भी लिखा है, उसके अलावा 1 hour भी लिखा है, 2 hour भी लिखा है। यहां पर बच्चे मिक्स आंसर दे रहे हैं बच्चों, मिक्स आंसर पुट किया जा रहा है। ऑप्शन को देखे, आंसर लिखे, नहीं समझ में आया तो वेट करें, इंतजार करें, सब्र करें, बट जल्दीबाजी ना करें। आपकी एक बैड हैबिट सुधार देना बच्चों, 30 नंबर तो आप वैसे ही ले आओगे, 70 नंबर की भी तरीके बताऊंगा, पहले अपने आप को सुधारो फिर पढ़ाई के बारे में सोचो। तो साइट आंसर बच्चों 30 मिनट्स है, हर 30 मिनट से पेशेंट को सक्शन करते हैं जब ट्रैकियोस्टोमी किया हुआ है, और ट्रैकियोस्टोमी करने के फर्स्ट डे, मतलब आज ट्रैकियोस्टोमी हुआ है तो अगले फर्स्ट डे का मतलब नेक्स्ट जो 24 आवर है, नेक्स्ट 24 आवर्स तक की बात करो बच्चों। ओके फाइन, हर 30 मिनट से सक्शन करना, इट्स ओके फाइन। नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नॉर्मल ट्रैकियोस्टोमी कब प्रेशर मेंटेन एट, यदि किसी पेशेंट को ट्रैकियोस्टोमी लगा हुआ है तो नॉर्मली जो प्रेशर होता है ट्रैकियोस्टोमी का वो मेंटेन करना बच्चों एट 10 to 15 mm of Hg, 15 to 18 mm of Hg, 18 to 25 mm of Hg, और 25 to 28 mm of Hg, चार ऑप्शन है बच्चों। नॉर्मल ट्रैकियोस्टोमी कब प्रेशर मेंटेन एट, चारों में से एक राइट आंसर पुट करना है, लगभग 2000 प्लस। फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को वॉच करें बच्चों, क्विक आंसर पुट करेगा बच्चों। सबस डिफरेंट आंसर आ रहे हैं, ज्यादातर बच्चे ए लिख रहे हैं, कुछ बी लिख रहे हैं। फेसबुक पेज पे भी विक्रम, रोहितास, मुकेश पुरोहित, अतिक्षा, राजू यादव, मुकेश पुरोहित, नागेंद्र सिंह, बच्चों सही आंसर पुट करो, बदमाश बच्चों सही आंसर लिखो। डिफरेंट व्यूज है बिल्कुल, 18 से 25 मानना है बच्चों, 18 to 25। मैंने देखिए यहां एक इमेज पुट किया है, ये दिल्ली एम्स का क्वेश्चन है बच्चों, ये दिल्ली एम्स ने पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस इमेज का फुट इमेज दिया हुआ था और नाम पूछा था। मैं क्लियर पुट कर देता हूं, एंडोट्रेकियल ट्यूब्स को प्रेशर मॉनिटर करने वाला मैनोमीटर बोलते बच्चों, ईटी ट्यूब मैनोमीटर, कंफ्यूज मत होना, ये क्वेश्चन एम्स दिल्ली ने पूछा है। ये जो एक डिवाइस आपको दिख रहा है जिसके अंदर मैंने यहां पर एंडोट्रैकियल ट्यूब मैंने इसके साथ कनेक्ट किया है। मैंने आपको ट्रैकियोस्टोमी कब प्रेशर पूछा है, बट यहां पर मैंने एंडोट्रैकियल ट्यूब के साथ एक मॉनिटर को कनेक्ट किया है, इस मॉनिटर का नाम है एंडोट्रैकियल ट्यूब्स मैनोमीटर। और बच्चों लिख लेना, अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये डिवाइस एग्जाम में पूछी जा सकती है, इस डिवाइस का फोटो बार बार आने लगा है, और ये डिवाइस आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, बट मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा उसमें ट्रैकियोस्टोमी कप का प्रेशर पूछा, यहां पर साथ में एडिशनल जो क्वेश्चन आपको मैंने बताया वो एंडोट्रैकियल ट्यूब्स के प्रेशर को मॉनिटर करने वाली डिवाइस का नाम ईटी ट्यूब मैनोमीटर। तो यहां 3 से 4 क्वेश्चन हमने देखा, बट याद रखना 18 to 25 mm of Hg है,
ये नॉर्मल ट्रेकिस्टॉमी का प्रेशर है, नॉर्मल ट्रेकिस्टॉमी का प्रेशर है। आपसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो आप क्लियरली मेंशन करना बच्चों, क्लियरली मेंशन करना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए ब्लॉक्ड ट्रेकिस्टॉमी ट्यूब इज बेस्ट रिकॉग्नाइज बाय फॉलोइंग। मतलब कैसे पता लगेगी कि पेशेंट का जो ट्रेकिस्टॉमी है, वो ब्लॉक है। हाउ कैन रिकॉग्नाइज, हाउ कैन डिटेक्ट, हाउ कैन फाइंड आउट? यू कैन सी ऑब्जर्विंग डी सैचुरेशन ऑन द ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर, बीइंग अनेबल टू फील एयर बीइंग एक्सहेल्ड थ्रू ट्रेकिस्टॉमी ट्यूब, हियरिंग अबनॉर्मल साउंड कमिंग फ्रॉम द चाइल्ड, the inability to pass suction catheter to the correct depth. चार ऑप्शन है, पहला लिखा blocked tracheostomy tube, best recognized by which of the following? Observing the desaturation on oxygen saturation monitor, की saturation level कम हो रहा है, being unable to feel air being exhaled through the tracheostomy, हम tracheostomy के द्वारा जो air निकल रहा है उसको feel नहीं कर पा रहे, hearing abnormal sound coming from the child, एबनॉर्मल साउंड आपको बच्चों से सुनाई दे रहा है, इवन द इनएबिलिटी टू पास सक्शन कैथेटर टू द करेक्ट पाथवे, सक्शन कैथेटर प्रॉपर नहीं जा रहा है करेक्ट पाथवे के द्वारा। अब राइट आंसर मुझे बताएं, मुझे यही पता लगाना था कि ब्लॉक्ड अप ट्रेकिस्टॉमी को कैसे पता लगाएंगे। चार ऑप्शन को पढ़ो, आंसर आए सोच के आंसर दो, नहीं आए यू शुड वेट, ट्राई टू लर्न बच्चों, आपको वेट करना, नहीं समझ में आए जब आंसर पुट करेंगे that you can say put the right answer. There is a the inability to pass suction catheter correct pathway. मतलब सीधा है, नोज से जाना कहाँ चाहिए, नेजोफेरिंग्स में, नेजोफेरिंग्स में कहाँ जाना चाहिए, फेरिंग्स में, ओरो में, then लेरिंगो, then ट्रैकिया, then ब्रोंकाई, then ब्रोंकियस, ये पासिस वे होता है। जब करेक्ट पाथवे से नहीं जा पा रहा है तो समथिंग विल इंडिकेटिंग की ब्लॉकेज है, समथिंग विल भी इंडिकेटिंग की ब्लॉकेज है। तो इतना आसान क्वेश्चन है कि हमें पता क्या लगाना था कि ट्रेकेस्टॉमी जो है वो ब्लॉक है, हम ट्रेकेस्टॉमी के द्वारा कैथेटर को ट्रैक किया, देन ब्रोंकाई, देन ब्रोंकियोस में डालेंगे, कैथेटर नहीं जा रहा तो हाउ कैन आइडेंटिफाई? ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना, ए पेशेंट विथ ट्रेकेस्टॉमी ट्यूब हैज थिक टेनासियस म्यूकस, दैट इज डिफिकल्ट टू रिमूव, नर्स शुड चूज विच टेक्निक टू सक्शन द एयरवे। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, क्वेश्चन क्या कहता है, ए पेशेंट है जिसको ट्रेकेस्टॉमी ट्यूब लगा हुआ है और देखा थिक टेनासियस म्यूकस है और पेशेंट का म्यूकस डिफिकल्ट टू रिमूव है, रिमूव प्रॉपर नहीं कर पा रहे, नर्स शुड चूज विच टेक्निक टू सक्शन द एयरवे, नॉर्मल सलाइन स्टील करेगी सक्शन करने से पहले, ड्राई सक्शनिंग वन टाइम फॉलोड बाय नॉर्मल सलाइन इंस्टीलेशन विथ सक्शनिंग टू मोर टाइम्स, या ड्राई सक्शनिंग एज लॉन्ग एज हार्ट रेट इज अबो 60, या अगेन सिंपल ड्राई सक्शनिंग। क्विक आंसर पुट करना बच्चों, थिक कफ को रिमूव करने के लिए डियर नर्सेस क्या करेगी, व्हाट थिंग्स शुड बी एडेड बाय द डियर नर्सिंग ऑफिसर्स, ए बी सी डी, चार ऑप्शन है बच्चों, विच इज द राइट आंसर। या डेफिनेटली नॉर्मल साइन वाला आंसर काफी बच्चे पुट करना चाह रहे हैं, ए मैक्सिमम बच्चे, ए जो है बिल्कुल, हर्षा चौहान मोस्ट वेलकम माय डियर इन जेएनसी फैमिली, फटाफट आंसर लिखिएगा बच्चों, विच इज द राइट आंसर। इफ यू नटवर सिंह, कोई बात नहीं बेटा, आइडिया नहीं है, आइडिया आ जाएगा, GINC have idea, don't worry, Om Prakash Yadav, क्या बात है, ए मैक्सिमम बच्चों ने लिखा और जो गलत है बच्चों, क्या लिखा हुआ है, ए में लिखा है कि नॉर्मल स्लाइन इंस्टील बिफोर सक्शनिंग, मतलब सीधा आप क्या करोगे, ट्रेकेस्टॉमी के अंदर डाल दोगे नॉर्मल स्लाइन 5 ml 10 ml, नो, नेवर, नॉर्मल स्लाइन इंस्टीलेशन इन टू द आर्टिफिशियल एयरवे नो लॉन्गर रिकमेंडेशन एज ए स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, क्योंकि डी जो लिखा हुआ है सिर्फ ड्राई सक्शनिंग करना बच्चों, सिर्फ ड्राई सक्शनिंग, नेवर नॉर्मल स्लाइन इंस्टिल इनटू द आर्टिफिशियल एयरवे, आप नॉर्मल स्लाइन यदि डाल लोगे तो कहां पहुंचेगा, इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट,
और मुझे ये उम्मीद थी कि नॉर्मल साइन के पीछे पड़ जाओगे, हाथ धो के दो लिखेंगे, चार लिखेंगे, फिर छह लिखेंगे, सबको लगेगा नॉर्मल साइन। आप सोचिएगा, एक पेशेंट है और उसको ट्रैकिस्टोमी किया है। ट्रैकिस्टोमी क्यों करते हैं? पेशेंट इज अनेबल टू मेंटेन देयर ब्रेस्ट कैविटी पैटर्न, और उसमें आप नॉर्मल सलाइन डाल दोगे, फिर सक्शन डालोगे, वो सलाइन कहां चला जाएगा? इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। हमेशा ध्यान रखना, जब भी ठीक स्पूटम को रिमूव करना होता है, पेशेंट को नेबुलाइज करवाया जाता है, पेशेंट को फिजियोथेरापी किया जाता है, चेस्ट फिजियोथेरापी दी जाती है, ताकि स्पूटम जो है लोजेस होकर बाहर क्यों निकले, बाहर क्यों निकले, होता कि नहीं होता है? या तो फिजियोथेरापी, या ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा, या नेबुलाइज करवाया जाए पेशेंट को, ताकि जो स्पूटम वो सॉफ्ट हो जाए। तो यहां पर हमें तो ड्राई सक्शनिंग ही करना है जो पहले करते आ रहे थे। जब आंसर नहीं पता है तो कॉपी पेस्ट मत करो बच्चों, डोंट ट्राई टू डू। आप श्योर नहीं हो, छोड़ दो। क्वेश्चन को नहीं आता है, गलत है, छोड़ दो। 200 क्वेश्चन का पेपर होगा, 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन छूट जाए ना, वो बेहतर है कि गलत करे। गलत वाले माइनस मार्किंग में, फिर कहोगे सर एक नंबर से रह गया, सर दो नंबर से रह गया, एक क्वेश्चन सही कर लेता ना सर, मेरा तो सिलेक्शन हो जाता है, तब बात बीत चुकी होगी। और अभी कुछ बैड हैबिट्स भी यदि अपने कंट्रोल कर लिया ना, तो आने वाला वक्त आपका हो जाएगा बच्चों। जब पता है कि यह दीवार है, इस दीवार को मैं तोड़ नहीं सकता, तो क्यों हाथ मारे उस पर? टेक्निक ढूंढिए ना कि कैसे तोड़ा जाए। बीच में आप अच्छे सुधरे हुए थे, 8-10 दिन होता है फिर आप बिगड़ जाते। जैसे जैसे नॉर्सेट पास आ रहा बच्चों, सुधर जाओ, बहुत अच्छा कर रहे थे आप, आज कुछ बच्चों ने गड़बड़ किया, और वो रटे रटाए थॉट जो आपके दिमाग में फिक्स कर रखे ना, 15 सेकंड 20 सेकंड 25 सेकंड, बस लगाते गए, पढ़ाई नहीं क्वेश्चन, यही तो आदत वहां खराब होती है आपकी। एक लाइन पढ़ा, आधी लाइन पढ़ा अपना, और रटा रटाया रट्टू तोते की तरह थॉट को पुट कर दिया 15 सेकंड। अरे कहां से 15 सेकंड? पढ़ने की आदत डालो, दो बार पढ़ो, क्वेश्चन को कितनी बार पढ़ना है, दो बार पढ़ना, चाहे कितना भी इजी पूछ लेना, व्हाट इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन अडल्ट, तो भी दो बार पढ़ो, तो भी दो बार पढ़ो, श्योर हो जाओ तब आंसर पुट करो। देखो कितना मजा आता पेपर को सॉल्व करने में। इस बैड हैबिट को सुधार करिएगा, बैड हैबिट को सुधार करिएगा बच्चों। और फाइनली एमपीसीएचओ के जो बच्चे लगातार इंक्वायरी कर रहे हैं, उनके लिए जेएनसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कोर्स अवेलेबल है, 2850 पोस्ट जो सीएचओ की आई है, बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे कोर्स है बच्चों, 3999 का कोर्स है, 6 मंथ की वैलिडिटी है, और ये जो ऑफर है इसको बढ़ा दिया बच्चों, 26 मई कर दिया है, 26 मई तक ऑफर है। इस कोर्स को परचेज करें, सेल्फ स्टडी करें, खुद के नोट्स बनाएं। जब आपका पूरा कोर्स स्टडी हो जाता है तो फिर एक टेस्ट सीरीज आती है एमपीसीएचओ की, उसको परचेज करें 249, और एग्जाम दीजिएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो आज की जो जर्नी थी वो यहीं तक थी, ये कोशिश की इंपॉर्टेंट टॉपिक आप तक डिलीवर करें। कल फिर नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात करूंगा। 2 दिन का ब्रेक था, तबीयत थोड़ा साथ नहीं दे रही थी, बट आपकी दुआओं से सब कुछ अच्छा हो गया। कल यही ठीक 5 से 6 बजे डेली डोज की क्लास आपको मिलती रहेगी, एक नया टॉपिक, एक नई एनर्जी, एक नया दिन। कल 5 से 6 बजे फिर मुलाकात करूंगा। सच में ये क्लासेज आपके लिए जो कंडक्ट की जा रही है अप्रिशिएबल है, बेनिफिटेड लग रही है, तो क्लास फिनिश होने के बाद में नीचे कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू जरूर लिखें। यदि आपको क्लास अच्छी लगी, बेनिफिशियल लगी, तो शेयर जरूर करें, उन बच्चों तक पहुंचाएं जो सच में पढ़ना चाहते हैं, कहीं गलत ट्रैक पे चल रहे हैं, ताकि वो अपने आप को एक अच्छे कंटेंट के साथ आगे रन कर सकें। ये जेएनसी आर्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोविड में अपने माँ बाप का ख्याल रखिएगा, जो घर में बड़े बुजुर्ग है उनको विशेष ख्याल रखना, क्योंकि कोविड तो नुकसान पहुंचा ही रहा था। ब्लैक फंगस ने फिर अटैक किया, व्हाइट फंगस की फिर एंट्री हो रही है, तो हमें इस सिनारियो में खुद को हेल्थी रखना है, लाइफ को भी चलाना, अपने टारगेट तक भी पहुंचना है, सब बैलेंस करके चलना। और कोविड वॉरियर को जेएनसी परिवार तहे दिल से सैल्यूट करता है। अपना ख्याल रखिएगा, हेल्थी रखिएगा, चेहरे पे स्माइल बना के रखिएगा। कल फिर मुलाकात करूंगा ठीक 5 बजे डेली डोज नॉर्सेट स्पेशल क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।